सबको ये प्रेम उन्होंने प्रदान की है ये प्रेम को, लेकिन वो कहते हैं सिखाए शरणागति भक्त प्राण, लेकिन महाप्रभु सबसे पहले ये शरणागति को सिखा देते हैं। कहते हैं शरणागति किया बोले भक्तों का प्राण है, ये भक्त का प्राण है, इसलिए पहले ये शरणागति सिखा देते हैं। इसलिए जो नमः शब्द है ये सारी अभिमान को छोड़ करके पहले गुरु वैष्णव के चरण में, ठाकुर को चरण में तो बाद में होगा, पहले गुरु वैष्णव के चरण में। इसलिए गुरुदेव कहते थे जितने हम गुरु जी के चरण में, जितने वैष्णव के चरण में हमारे शरणागति है, उसको फिर हम उल्टा करके ठाकुर जी के चरण में दे सकते हैं। ऐसे नहीं गुरु वैष्णव का प्रति कोई शरणागत नहीं हुआ, हम डायरेक्ट भगवान भजन प्राप्त कर ले गुरुदेव कर, नहीं ऐसे कभी हो ही नहीं सकता है। पहले गुरु वैष्णव का प्रति शरणागति, फिर उसको बाद में जाकर कृष्ण चरण में शरणागति हमारी हो सकती है। लेकिन कुछ सहजिया लोग हैं, कुछ सहजिया लोग हैं, बाबा जी लोग हैं, कहते भैया ये गौड़ीय भट्ट तो छिबड़ा खाने वाले, ये आठी को चूसने वाले, जो हमको फांसी के लिए कहते गौड़ीय भट्ट वाले, ये छिबड़ा खाने वाले और आठी को चूसने वाले, ये लोग तो वो लोग कहते कि ये केवल वैदिक भक्ति की बात सिखाते हैं, वैदिक भक्ति की बात सिखाते हैं, ये कोई राग भक्ति की। इसलिए उसे क्या करते बाबा जी लोग, पहले आते ही जो एकादश जो भाव है, तुम्हारी वस्त्र किया, नाम किया, सेवा किया, ये जो एकादश भाव पहले आते ही वही दे देते, लड्डू मंजरी, कचौड़ी मंजरी, रसगुल्ला मंजरी, पहले से ही ये सब नाम दे देते हैं। इसलिए किस बाबा जी को पास में गए, पहले वो गौरी भट्ट में आए, कहते इसको किसी बाबा जी को पास में गली कराओ, गौरी भट्ट को कुछ देता ही नहीं, महाप्रभु तो वो गोपी प्रेम पहले भाव में करने के लिए आए, ये तो पहले से ही उनको वैदिक भक्ति सिखा रहा है। बोले क्या है, उसको मंत्र दे दिया, ये मुझे संपर्क, बोले तुम्हारे नित्य सिद्ध नाम, लेकिन वो तो उसका स्थिति है ही नहीं, वो तो स्थिति है ही नहीं उसकी, अभी हृदय में श्रद्धा ही नहीं आया और उसको प्रेम की बात और स्वरूप सिद्धि की बात दिखा दिया, उसकी स्थिति है ही नहीं उसकी। कुछ दिन बाद में क्या हुआ, देखा उन्होंने गौरी भट्ट इसको तंबाकू नहीं खाते, चाय भी नहीं पीते, बीड़ी भी नहीं पीते, देखते ये लोग तो रोज रोज चाय पीते हैं, ये तो बीड़ी पीते हैं, तंबाकू खाते हैं, फिर अवैध रूप में वो स्त्री संग भी करते हैं। फिर दो दिन बाद उसका बुद्धि खराब हो गया, ये क्या देख रहा हूँ। फिर दूसरे बाबा जी कहते थे वो उसका मंत्र ठीक नहीं, तो मेरे पास में आ जाए। फिर दूसरा बुला कर उसको जो सखी मंजिल नाम दिया था ना, वो पूरा कूड़ा उल्टा दिया, उसको लेडी की चमचम मंजिल। फिर देखा उसने फिर मंत्र सच्चा हो गया, बोले भैया अगर भी ये मेरे नित्य सिद्ध नाम और मंजिल नाम है, फिर इन्हें बदला दिया कैसे, अगर वो नित्य सिद्ध होता तो बदल दिया कैसे। फिर सबके सब छोड़ छाड़ करके बस अपना घर में चले। इसलिए यहाँ पर श्री सत्य प्रतमुनि जो एक एक जो शब्द प्रयोग करते हैं, एक एक जो शब्द प्रयोग करते हैं, वो शब्द का बड़ी महत्व। इसलिए यहाँ पर उन्होंने पहले नम शब्द को उन्होंने सबसे पहले प्रणाम किया। नम मतलब होता है शरणागति, पहले शरणागति हो, हम छलांग नहीं लगा सकते। आप शिक्षाष्टक को देखो, महाप्रभु सबसे पहले ये तो दर्पण माध्यम से शुरू किया है। रूप गोस्वामी उपदेशामृत को देखो, पहले वाच वेगम, मनस क्रोध वेगम, जीवा वेगम उदर, यहाँ से वो शुरू करते हैं। अत्याहार प्रयास शास्त्र यहाँ से शुरू करते, भक्ति प्रतिकूल को छोड़ो, छह इंद्रियों को कंट्रोल करो, भक्ति की संग करो, वैष्णव का संग करो। इसलिए कभी कभी गुरुदेव कहते हैं, कभी कभी रसिया की भक्त है ना ज्यादा गड़बड़ करते हैं, गुरुदेव कहते थे यही लोग ही ज्यादा ही रसिया ना रस पाना चाहते हैं। इसलिए गुरुदेव कहते ये लोग ज्यादा जल्दी जल्दी रसिया के भक्त लोग जल्दी जल्दी छलांग लगाना चाहते हैं, यही लोग करके बाद में गौरी भट्ट छोड़ करके इसको छोड़ करके। हमने देखा जितने गए ये गौरी भट्ट इसको छोड़ कर, दो दिन बाद में सारे भक्त उसने छोड़ा। अभी तो बोलते आज ही गंज में होली ये राशि आप राशि का खुद लेते हैं तो जाते हैं। इसलिए दो दिन बाद में सबके सब छोड़ करके वह सब छोड़ कर सब चले जाते। इसलिए नहीं हमें 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 शरणागति अभी बरबार कह रहे थे ना, इसलिए विधि मार्ग रत्न जने स्वाधीनता रत्न दाने राग मार्ग प्रधान प्रवेश।
पहले विधि मार्ग को जब हम सही सही रूप में करेंगे वही फिर बदल करके वो राग में अपने आप परिवर्तन हो जाएगा। करे ने प्रवेश करा न नहीं है, करे न नहीं करा, करा मतलब होता है भगवान तुम्हें प्रवेश कराएंगे, तुम खुद नहीं घुस जाओगे, तुम खुद उसके अंदर में घुस नहीं जाओगे। ठाकुर समय आने पर वो स्थिति में भगवान स्वयं प्रवेश कराएंगे। इसलिए यहाँ सबसे पहले नम शब्द में ये शरणागति का मतलब कहते हैं नम देव दामोदर विष्णु। उसको बाद में उन्होंने एक एक जो शब्द प्रयोग करते हैं दिगु क्रीड़ाया है, दिगु जो शब्द क्रीड़ाया है बोले कौन सा क्रीड़ा है जो रस है। पहले उन्होंने ये बात्सल रस को उन्होंने प्रार्थना किया, पहले तो दास्य सखेद सुर किया, यहाँ पर दामोदर जो शब्द प्रयोग करते हैं ये दामोदर शब्द क्यों प्रयोग करते बोले कारण है इसमें दो दामोदर है, एक तो जसोदा दामोदर, ये जसोदा दामोदर क्यों प्रयोग किया कारण है कहाँ परात पर तत्व है, कहाँ अनंत है, जहाँ असीम है, जिसका बाहर नहीं जिसका भीतर नहीं, लेकिन होते हुए भी मैया जसोदा जी को उखन में बांध डालती है। और जिस समय बांध रहे थे उसी समय में मैया जसोदा आंखों में जो काजल लगा कर रखी थी, कृष्ण दोनों हाथ से अपना काजल को खींच रहे थे, जैसे उनको काजल मिश्रित आंसू जो बह रहा था, जैसे गंगा जमुना की धारा बह रहा था, कृष्ण सिसक रहे थे, बोले भैया लठिया फेंक दे भैया मेरे को मारो मत, मेरे मारो मत, जिनको भय भी जिनके डर से है जब विभे भी स्वयं भयम, जिनकी काल जिनके डर से स्वयं कंपेमान होते हैं, लेकिन आज भगवान भक्तों का प्रेम में वशीभूत होकर के वो स्वयं डर रहे हैं, मैया के डर से स्वयं डर रहे हैं। इसलिए यहाँ पर जो दामोदर है जसोदा दामोदर और एक है राधा दामोदर, अभी माधव महाराज कह रहे थे रासलीला को बाद में जब गोपियों ने गोपी गीत उगाई, गोपी गीत में भगवान जब संतुष्ट होकर के मनमथ का मनमथ रूप लेकर कृष्ण प्रकट होते हैं बोले कन्हैया बड़ा नटखट है, ये हमारे राधा जी को छोड़कर बार बार भाग जाता है, इसलिए गोपियों ने किया कि अपना चुनरी को उतार करके वहां पर आसन देकर बैठा है। अरे कौन है बोले जिनको बड़े बड़े जत्ते भी समाधि सु बिथिरा भी पश्यति न तब नखाग्र मरिचि, कहते आज जिनके नख के अग्रभाग को छटा को ब्रह्मा शंकर आदि देवता भी जिनको नहीं दर्शन कर पाते लेकिन आज कहाँ बैठे हुए हैं बोले गोपियों की उनके चुनरी के ऊपर में बैठे हुए हैं, मतलब इनके प्रेम में संपूर्ण वशीभूत है। इसलिए गोपियों ने क्या करती है उनको कांठ में राधा रानी की चुंदरी कृष्ण का चदर अच्छी तरह से बांध देती है, ये कन्हैया जैसे हमारे किशोर जी को छोड़ कर बार बार नहीं जा पाए। इसलिए गांधी महाराज जी बता रहे वहां पर उन्होंने गांठ को बांध दिए थे वहां पर भी, इसलिए वो लास्ट में जो शब्द प्रयोग करते हैं वो विष्णु शब्द प्रयोग करते हैं। विष्णु क्यों, विष्णु साधारण विष्णु नहीं बोले व्याप्त इति विष्णु, लेकिन उनकी जो व्याप्तता कहाँ पर संपूर्ण रूप में प्रकट हुआ जो व्याप्ति बोले रास में, क्योंकि एक कृष्ण एक गोपी, एक गो कृष्ण एक गोपी, एक कृष्ण एक गोपी, जितने गोपियां कहते 100 करोड़ गोपियां, लेकिन वहां पर देख रहे थे कृष्ण 100 करोड़ रूप लेकर के सबके साथ में प्रभु नृत्य कर रहे थे। इसका मतलब है श्री सत्यव्रत ऋषि कहते हैं यद्यपि सारे रस अपना अपना स्थान पर है सही है तटस्थ है या, लेकिन जब हम तटस्थ होकर के विचार करते हैं लेकिन रस की सर्वोत्तमता व्याप्ति कहाँ पर है रास है, रास भाई। इसलिए हम जो साधना भजन कर रहे हैं क्यों साधन भजन कर रहे हैं ये रासों में प्रवेश करने के लिए, जिसमें जिसमें है श्रुतिचरी मुनिचरी दंडकारण्य ऋषि देव कन्या सब के सब साधन करके अंतिम स्थान में कहाँ प्रवेश करने के लिए चाहते हैं रासों में ही प्रवेश करने के लिए चाहते हैं। रास मतलब रसाना समूह रास, जहाँ पर रस ही रस है और जहाँ पर कुछ है ही नहीं रस की आस्वादकता है, कहते कहते भैया वो चीज मिलेगा तेज से बोले मिलेगा केवल एक साधन से केवल हरिनाम संकीर्तन के द्वारा, यहाँ पर जो अलग अलग नाम ले रहे हैं ये भगवान के अलग अलग नाम, केवल संकीर्तन के द्वारा ही ये वस्तु तुम्हें प्राप्त हो सकता है और किसी को उपाय नहीं। इसलिए गुरुदेव यहाँ पर एक श्लोक को प्रयोग करते हैं बोले एवं व्रत स्वप्रिय नाम कृत्वा जातानुराग द्रुतचित उच्चैः। ये श्लोक में श्री विश्वनाथ चतुर्थ बहुत अच्छी बात करते हैं बोले एवं व्रत
बोले अपना नियम था व्रत किस चीज में, व्रत कहते ना दृढ़ता। बोले भैया व्रत किस चीज में व्रत हो, बोले सो प्रिय नाम कृपा, अपना प्रिय नाम में हो। बोले हमारा प्रिय नाम क्या, दूसरे दूसरे का जैसे राधे कृष्ण राधे कृष्ण 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 राधे राधे कोई कहते हैं, कोई कहते श्री कृष्ण शरण में हो, कोई कहते हैं और क्या कहते हैं, इसलिए अलग अलग संप्रदाय अलग अलग नाम, लेकिन हमारा प्रिय नाम क्या, महाप्रभु हमें कौन सा नाम दिया, ये हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम राम राम, ये हमारी प्रिय नाम है। लेकिन ये नाम कहाँ से, किसने उच्चारण किया नाम को, बोले ये नाम स्वयं राधा रानी कृष्ण विरह में ये नाम निकला है, इसलिए जो हरे कृष्ण ये मिलन है, कृष्ण कृष्ण ये विरह है, फिर राम राम फिर मिलन, फिर हरे राम, उसमें इसमें मिलन विरह विरह मिलन, ये नाम में मिलन विरह दोनों नाम को इसमें दिया है, इसमें यही नाम दिया राधा रानी की, विरह में ही ये मंत्र राधा जी के मुंह से निकली, इसलिए ये मंत्र कोई साधारण मंत्र नहीं, इसलिए श्री चैतन्य महाप्रभु का जो कुछ है, बोले तुम सन्यासी होकर दिन भर हरे कृष्ण नाम कर रहे हो, हाँ वेदांत सूत्र तो सुधार मंत्र कौपिनी मंत्र खलु भाग्यवत, तुम कभी नाच रहे हो कभी रो रहे हो, ये सब क्या कर रहे हो, महाप्रभु क्या कहते हैं, बोले गुरु मरे मूर्ख देखी करी शास्त्र, गुरुदेव ने कहा बेटा तुम मूर्ख हो, तेरे को वेदांत में नहीं अधिकार था, अधिकार नहीं, ये कृष्ण नाम को मेरे को दिया जब हो, और मैंने गुरु जी की आदेश को पा करके ये कृष्ण नाम जप करते 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 मेरा बुद्धि प्रच्छन्न, मेरी बुद्धि जैसे भ्रमित हो गया, और हमने देखा कैसे यमुना नदी की कलकल नहाते से कैसे पानी बह रही है, सुंदर कदम वृक्ष उसको नीचे एक श्याम रंग का सलोना सा मीठी मीठी बंसुरी बजा कर मेरे को बुला रहे थे, मैंने जब उसको पकड़ने के लिए गया उसको पकड़ ही लिया था, देखा वहां पर दूसरे जगह पर मेरे को बुला रही, इसलिए जब जब मैं ये नाम को जब करता हूँ तब तब मैंने वृंदावन में कदम वृक्ष को नीचे कृष्ण को मैंने बंसुरी बजा के देखा, बोले भैया यही नाम की असली बल है, इसलिए व्रत किया वो हरिनाम ही व्रत हो। लेकिन एक विशेष बात है, जैसे गुरुदेव हरिनाम किया लेकिन कुछ दिन बाद में क्या करते हैं, माला में हम जहां तक लटका देते हैं माला, दो दिन बाद में लटका देते हैं माला में कुछ दिन बाद में, इसलिए यहाँ पर कहते हैं एवं व्रत सोप्रिय नाम कृत्वा जाता राघव, इसलिए श्री रूप गोस्वामी कहते हैं जैसे मिश्री, मिश्री तो मीठा है लेकिन किस किस को कड़वा लगता है, बोले किसको कड़वा लगता है, बोले जिसका जंडिस की बीमार हो, इसलिए हम अनादि काल से कृष्ण विमुख होकर के ये संसार में भटक रहे हैं, इसलिए हमें क्या करना पड़ेगा, जैसे मिश्री मीठा लेकिन उसको कड़वे लगते हैं, लेकिन डॉक्टर क्या कहता है, मिश्री को चुसते रहो, छोड़ना नहीं मिश्री को चुसते रहो, चुसते चुसते जितने परिमाण में तुम्हारी ये तुम्हारी पीलिया रोग खत्म होती जाएगी उतना तुमको अनुराग आएगा। उसी तरह गुरुदेव ने जो नाम दिया है ऐसे नहीं गुरु जी से नाम लिया तो 4 दिन बाद माला नहीं, कभी नहीं, इसलिए ध्यान से कृष्ण गुरु जी बात कहते थे, कहते माला कभी भूखा नहीं रहनी चाहिए, कभी ये माला कभी भूखा नहीं रहनी चाहिए, गुरुदेव कहते थे भूखा रहना मतलब क्या है, ये माला नहीं गुरुदेव स्वयं कृष्ण ने दिया है, एक दिन अगर हमने माला जप नहीं किया इसका मतलब है आज कृष्ण सारा दिन खाए नहीं सोए नहीं भोजन नहीं के दिन भर भगवान भूखे रहे, इसलिए खाने से पहले कुछ माला जप करके ही खाओ। हमारे गुरु जी क्या करते थे, हमारे भक्त नारायण गोस्वामी महाराज माधव महाराज जानते हैं, वो सो जाते थे जितने बजे सोए उतने 2:30 बजे उठ जाते थे, अब हाथ धोकर किसको डिस्टर्ब नहीं करते थे, हाथ धोकर के अपना बिस्तर पर बैठ जाएंगे और हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम राम राम, इसलिए अनुराग धीरे धीरे अनुराग आएगा, फिर श्रुत चीत हो तो जब अनुराग आएगा तुम्हारे हृदय द्रवीभूत होने लग जाएगा, तुम्हारे हृदय द्रवीभूत होने लग जाएगा, जब द्रवीभूत होने लग जाएगी हृदय तब जैसे टीवी में जैसे सीरियल देखते हैं हमारे हृदय में भी कृष्ण लीला की सीरियल है, हंसत्य था कभी प्रभु की लीला देखकर हंसेगा कभी रोएगा कभी नृत्य करेगा, इसलिए ये हरिनाम कीर्तन सही है सब कुछ होगा, इसलिए आप लोग से प्रार्थना है जिन लोगों ने माधव महाराज हो बन महाराज हो जहाँ से हरिनाम लिए हो
कभी भी माला भूखा नहीं मत रखो, कभी भी माला भूखा नहीं, खाने से पहले कुछ माला करके भोजन करो। और महाप्रभु कहते हैं यहाँ जब किया सफेद करिया दिवस नियम करके है, कम से कम महाप्रभु कहते 1 लाख नहीं नाम करने पर ग्रहण नहीं करूंगा। अरे अगर एक दिन में 1 लाख नहीं कर सकते हो लाखपति, 4 दिन में तो लग सकते हो ना, मतलब कम से कम 16 माला से नीचे मत करो है। इसलिए स्वामी महाराज कहते थे 24 घंटा भी 8 घंटा सो, 8 घंटा काम करो, 8 घंटा भजन करो। अगर 8 घंटा नहीं कम से कम 2 घंटा तो हरिनाम करो, इसलिए इतना भी करनी चाहिए। इसलिए सब कुछ हरिनाम से होगा। इसलिए हम लोग दृढ़ करके गुरुदेव ने जो हरिनाम दिया है साक्षात कृष्ण दिया है, ये नाम चिंता में है। इसलिए नाम साधारण मत समझना, नाम को चिंतामयी मान करके नाम को, यही नाम ही एक दिन भगवत तो प्राप्ति कराएगा और तुम्हें कोई नहीं करा सकता। इसलिए हमारे यही पर हम वक्तव्य को समाप्त करता हूँ। बच्चा गलूदर व्यस्त कृपा।